सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है और हम कैशलेस इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं पीएम मोदी के होम स्टेट गुजरात, जहां एक ऐसी टाउनशिप है जो पूरी तरह से कैशलेस है। कैसे होती है वहां ट्रांजैक्शंस, ये सारे कामकाज आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पान खाना है, कैशलेस पेमेंट। सब्जी लेनी है, कैश की फिक्र नहीं। हेयर कटिंग तो डिजिटल पेमेंट। 24 घंटे यहाँ सारे पेमेंट डिजिटल होते हैं, वो भी एक यूपीए से। ये भरूच की जीएनएफसी टाउनशिप, जहाँ 5000 लोग रहते हैं। इस टाउनशिप में सारे पेमेंट डिजिटल होते हैं। पीओएस मशीन, डेबिट कार्ड, भीम ऐप, पेटीएम का भरपूर इस्तेमाल होता है यहाँ। इस सिस्टम से ग्राहक और दुकानदार सब खुश हैं। सिगरेट देते हैं हम कस्टमर को, तो वो एक चॉकलेट के साथ में ले जाता है, तो 16 रुपए बनता है हमारा, तो एक रुपया एमएम निकल जाता है हमारा। इस वजह से हमको इससे ये फायदा हुआ कि 16 रुपए केस करवाने में हो जाता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा में जा रहा है पैसा, बैंक में पूरा पैसा बैंक में जा रहा है हमारा, कोई लोचा नहीं है हमारा। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने टाउनशिप में कैशलेस सिस्टम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। जीएनएफसी फैक्ट्री में रोज 500 ट्रक आते जाते हैं। किसान डिजिटल पेमेंट कर फसल यहां बेचते हैं। करीब 1.5 लाख किसान इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। टाउनशिप में क्यूआर कोड ऐसा बनाया गया है कि एक ही कोड में हर तरह का पेमेंट हो जाता है। यहाँ पान की दुकान है, धोबी की दुकान है, यहाँ पर साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, यहाँ रेस्टोरेंट है, खाने पीने की दुकानें हैं, यहाँ हॉस्पिटल है, स्कूल है, स्टेडियम है, यहाँ जो व्यवहार होता है, एक कप चाय की प्याली भी कैशलेस मिलती है। और हमारे यहाँ के जो भी रहने वाले हैं, हमारी कंपनी में काम करने वाले या इवन बाहर से आने वाले, उन सभी को यहाँ पर कैशलेस ट्रांजेक्शन करने होते हैं और बड़े सहर्ष ये कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि नामुमकिन कुछ नहीं। 100% डिजिटल पेमेंट कर जीएनएफसी टाउनशिप ने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। देश में इस बात को लेकर काफी चर्चा ये हुई कि आखिरकार छोटा आदमी है वो कैशलेस सिस्टम में कैसे अपने आप को फिट करेगा, लेकिन ऐसे हजारों लोगों ने अपने आप को न केवल इस सिस्टम में ढाल लिया, लेकिन दूसरे के लिए भी एक मिसाल का काम किया। अब जीएनएफसी टाउनशिप न केवल गुजरात के लिए लेकिन देश की और भी टाउनशिप के लिए एक उदाहरण बनेगी और आने वाले समय में कैशलेस को बढ़ाने के लिए ये एक रोल मॉडल का काम करेंगे। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, भरूच।